नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हमारे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आया है कि एएलपी और टेक्नीशियन के एज लिमिट आप बताइए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम एएलपी और टेक्नीशियन बनने के लिए आपकी क्या एज लिमिट होनी चाहिए ये हम बताएंगे। इस वीडियो से पहले दोस्तों, आप पिक्चर में देख रहे हैं, साइड में देख पा रहे हैं, हमारे दोस्त मनोज जी हैं जिन्होंने ग्रुप डी से लोको पायलट ए बने हुए हैं। तो कैसे बने, तो ग्रुप डी पहले ज्वाइन किए, उसके बाद डिपार्टमेंटल परीक्षा दिए, उसके बाद असिस्टेंट लोको पायलट बन गए। तो इनका जर्नी के बारे में मैंने एक डिटेल्स वीडियो बना दिया है, आप देख सकते हैं। इनका क्वालिफिकेशन है इलेक्ट्रिशियन और मेरा भी क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिशियन ही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एएलपी और टेक्नीशियन बनने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको मैट्रिक पास करनी होगी, उसके बाद किसी भी प्राइवेट या सरकारी संस्था से आपको आईटीआई करनी पड़ेगी। तो आईटीआई करने के लिए आप सोच समझ के कीजिएगा, एक साल का भी कोर्स कर सकते हैं और दो साल का भी कोर्स कर सकते हैं। अगर एक साल का कोर्स करते हैं तो सबसे अच्छा मैं कोर्स आपको बता देता हूँ, मैकेनिक डीजल आप कीजिएगा तो अच्छा रहेगा एएलपी बनने के लिए। उसके बाद दो साल के यदि कोर्स करना आप चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो इलेक्ट्रीशियन कीजिए या फिटर कीजिए, दोनों ट्रेड बहुत ही अच्छा है। आगे अब जानते हैं कि एएलपी टेक्नीशियन बनने के लिए आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। न्यूनतम आपकी उम्र 18 वर्ष तो होनी ही चाहिए, लेकिन अधिकतम कहां तक होनी चाहिए ये अब हम यहां पे साथियों हम बता रहे हैं आपको। 2018 में जो भर्ती आई थी एएलपी टेक्नीशियन का, उसी के अनुसार से हम आपको बताएँगे। तो आपकी उम्र 18 से ऊपर होनी चाहिए। और यहाँ पर अब एक एक करके हम जान लेते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी का हम एक एक करके हम सब जान लेते हैं। मैं आपको बात बता दूं कि जो 2018 में जो भर्ती आई थी उसमें सभी कैटेगरी में दो साल कट कर लिया गया था। तो दस साल कट कर लिया गया था, उसके बाद में संशोधन करने के बाद वो सब दो साल फिर बढ़ा दिया गया। यहाँ पर अनारक्षित यानी जनरल वालों के लिए उम्र 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ओबीसी के लिए 35 साल होनी चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए 18 से 35 होनी चाहिए। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए 18 से 35 का उम्र होनी चाहिए। आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपकी उम्र क्या है। दोस्तों, इस तरह से आपने जाना कि एएलपी और टेक्नीशियन बनने के लिए क्या एज लिमिट होनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।